हेलो गाइस, कारपेंटर करनाल में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको दिखाने वाले हैं छत की सीलिंग की पैलिंग कैसे करते हैं, डिजाइनिंग पैलिंग कैसे करते हैं। अभी वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे कैसे कैसे पैलिंग करते हैं और कैसे पैलिंग डिजाइन बनाते हैं। प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखें पूरा। ये आपको छत दिखा रहे हैं, ये हमने डिजाइन बनाए हैं, विनियर डिजाइन है और इसके ऊपर पॉलिश होगी। अभी आपको वीडियो में दिखा देंगे कैसे हमने डिजाइन बनाया है और कैसे इसको बना के तैयार कर दिया है। प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखें पूरा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखें पूरा। विनियर डिजाइन और ये छत के ऊपर डिजाइन बनाया है और इसका साइज बता देता हूँ आपको। ये 8.25 फुट ऐसे लंबी है और 5 फुट की इसकी चौड़ाई है। और इसमें हमने ये और इसके पीस का साइज बता देता हूँ आपको। इसका पीस का साइज है 12x12 का, विनियर का पीस है। और इसमें हमने 4 mm ग्रुप डाल दिया और रेड सीधे पीस लगाए हैं और ये छत के ऊपर डिजाइन बनाया है। और इसमें हमने अंदर 4 लाइट भी लगा दी हैं, चारों सेंटर में लाइट लगाई है। उधर से हमने 5 इंची छोड़ दिया है और सारी लाइटों का साइड से 5 इंची छोड़ के सेंटर में इसको लगा दिया है लाइटों को। और ये पॉलिश वाला डिजाइन है, विनियर डिजाइन है। और ये आपको दिखा देंगे वीडियो में कैसे हमने ये तैयार किया है और कैसे इसको बनाया है। और ये पीस 12x12 का पीस है, विनियर डिजाइन और सीलिंग डिजाइन। ये आपको दिखा रहे हैं 6 mm की प्लाई और ये आपको दिखा रहे हैं ये छत है। और ये सीलिंग के ऊपर हमने पैलिंग कर दी है और पैलिंग 2 सूत की, 2 सूत 6 mm प्लाई की करते हैं, वाटरप्रूफ प्लाई होती है। और ये हम इसमें पट्टा स्क्रू कस रहे हैं, पट्टा स्क्रू लगाते हैं और कस देते हैं। और ये हमारी जो सीलिंग का साइज है 8.25 फुट और 5 फुट का साइज है। और ये आपको दिखा रहे हैं पट्टा स्क्रू कैसे कसते हैं। ये पट्टा स्क्रू 2 इंची स्क्रू होते हैं, 2.5 इंची स्क्रू होते हैं। इसको हाथ से या ड्रिल से कस सकते हो, ड्रिल से कसोगे ऊपर भी 2 सूत की प्लाई होती है, उसमें आर पार भी हो सकता है, बिल्कुल आराम से कसें ड्रिल से। और ये आपको दिखा देते हैं, ये हमने इसमें पट्टा स्क्रू कस दिए हैं और पूरी पैलिंग के ऊपर हमने सीलिंग के ऊपर पैलिंग कर दी है। और इसमें हमने 3 पीस लगाए हैं, एक पीस पूरा 8x4 से कुछ कम लगाया है और दो साइड में हमने इस पे आगे की साइड ये जोड़ लगा दिया है। और ये दिखा रहे हैं आपको स्क्रू कस के ये सारे हमने। और इसके अंदर हमने 4 लाइट लगा दी हैं, 4 लाइट 3 बल्ब वाली लाइट होती है, वो हमने इसमें 4 लाइट लगा दी है। और ये सीलिंग के ऊपर पैलिंग की है, सीलिंग के ऊपर पैलिंग की है। ये आपको दिखा रहे हैं ये छत है सारी और इसके ऊपर हमने 6 mm पूरी प्लाई लगा दी है। और साइड में हम आपको दिखा रहे हैं, ये साइड में हमने विनियर लगा दिया है। और ये 4.5 इंची गहरी सीलिंग है, 4.5 इंची गहरी सीलिंग है, हाफ डाउन सीलिंग है। और ये साइड में इसकी लाइट लगी है ऐसे ही, ये दोनों साइड से खाली है और दोनों साइड इसमें हमने अभी आपको दिखाएंगे बार बार हम सीधी सिंपल जैसे कि इस पे विनियर लगा देंगे। और ये आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने इसकी बंड बना के निशान लगा दिया है। 12x12 के हमने इस पे पीस लगाए हैं, 12x12 के हमने इस पे निशान लगा दिए, मार्क कर लिया है। और इसमें हमने 4 mm का विनियर ग्रुप दिखाना है, 4 mm ग्रुप दिखाना है इसके अंदर। और ये 12x12 के हम इसके अंदर पीस लगाएंगे और अभी वीडियो में दिखाएंगे कैसे कैसे हम पीस लगाएंगे और कैसे इसको तैयार कर देंगे। प्लीज़ वीडियो में बने रहें। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये विनियर है, ये 4 mm का विनियर है। और ये इसके ऊपर पॉलिश होगी, विनियर पॉलिश। और ये आपको दिखा रहे हैं, ये 4 mm विनियर है, इसकी मोटाई 4 mm की होती है। और ये हमने पीस काट लिए हैं, अभी इसको दिखाएंगे कैसे कैसे हम इसको सेट करेंगे और कैसे इसको लगा देंगे। इसको सेट करके ऊपरली साइड कैसे लगाएंगे अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे कैसे इसको लगाते हैं। ये सारा विनियर विनियर है, ये सारा विनियर है, विनियर प्लाई 4 mm की। और ये दिखा देते हैं, ये हमने इस पे एक पीस लगा दिया है, सबसे पहला पीस आपको दिखा रहे हैं ये। अभी इसके अंदर हमने 4-5 पीस
लगा दिए हैं। और ये पीस लगाने का तरीका आप देख सकते हो, एक पीस सीधा, दूसरा पीस अड्डा, एक पीस सीधा, दूसरा पीस अड्डा, ऐसे ही हमने इसमें पांच पीस लगाए हैं। और ये 5 फुट की ही इसकी चौड़ाई है, 5 पीस लगाए हैं, 5 फुट की इसकी चौड़ाई है और 8.25 फुट की इसकी लंबाई है। ये आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे हम इसमें पीस लगाते जा रहे हैं, ऐसे ही हम इसके पूरे पीस लगा देंगे। इसके अंदर 5 पीस ऐसे एक साइड लगेंगे और 9 पीस ऐसे लंबे में लगेंगे, 8 फुट की साइड, 8.25 फुट है। और ये आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे हम पीस लगाते हैं और कैसे इसमें ग्रुप डाल देते हैं। और ये 4 mm का ग्रुप इसमें डालते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। और ये अभी दिखा रहे हैं, इस पे फेविकोल लगा देते हैं। फेविकोल लगा के इसको ऊपर की साइड हम आधा इंची 20 नंबर की लगाते हैं, ऊपर की साइड आधा इंची 20 नंबर की लगा देते हैं। और इसमें इसको सेट कर देते हैं, गाड़ देते हैं, ठोक देते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे हम इसको लगाते हैं। ये हमने आधे से ज़्यादा इसमें पीस लगा दिए हैं, आपको दिखा रहे हैं आधे से ज़्यादा हमने इसके अंदर पीस लगा दिए हैं। और जैसे आप साइड का बॉर्डर देख रहे हो, ये साइड में हम पहले सीधा विनियर लगा के उसको पक्का कर देते हैं, उसके बाद हमने ये सारा इसमें लगा दिया है। और इसमें हम साइड से विनियर जितना ग्रुप चिकरदे से अपना छोड़ देते हैं, विनियर 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 छोड़ देते हैं। और साइड से भी इसमें 4 mm का ग्रुप दिखेगा, 4 mm ग्रुप दिखेगा। और ये सारा ग्रुप इसमें 4 mm का दिखा दिया हमने, ये आप देख सकते हो। ये हमने इसमें सारे अड्डे सीधे पीस लगाए हैं, सारे अड्डे सीधे पीस लगा दिए। और ये लेट है, यहाँ पे लेट लगेगी, ये लेट के लिए होल किया है। और ऐसे ही बीच में दो होल कर दिए हैं, ये भी लेट के लिए होल है। और ये पंखे के लिए रोड लगाई हुई है पहले ही सीलिंग के अंदर, और उधर भी आप लाइट लगेगी, दो लाइट बीच में और दो लाइट सिरों पे लगेगी। और ये आपको सारा ग्रुप दिखा देते हैं, और बिल्कुल सिंपल रेसा आपको दिखा रहे हैं। और ये हमने सारा इसका पीस तैयार कर दिया है। अभी इसमें लाइट भी हमने फिट कर दी है, सारी लाइटें भी हमने इसमें फिट कर दी है, सारे इसमें पीस लगा दिए हैं, बिल्कुल हमने ये फाइनल कर दिया है। और ये इसके लास्ट के पीस आपको दिखा रहे हैं कैसे लगाते हैं, सारे पीस लगा दिए हैं, तैयार कर दिया हमने। और ये सीलिंग के ऊपर पैलिंग की है, पैलिंग डिजाइन, विनियर डिजाइन। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पे जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और देखते रहें, ऐसी ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। आप देखें छत की सीलिंग के ऊपर डिजाइन कैसे हमने तैयार कर दिया है। और ये अड्डा सीधा डिजाइन है, अड्डा सीधा डिजाइन है, विनियर डिजाइन है। और इसके अंदर ये हमने जो लाइट अभी दिखाई थी वो बंद कर दी है। अभी आपको दिखा रहे हैं कैसे हम इसमें डिजाइन बना दिया है, पूरा डिजाइन हमारा तैयार हो गया है, फाइनल डिजाइन, विनियर डिजाइन, ब्यूटीफुल डिजाइन। आप लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। आगे हम दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे इससे भी अच्छे डिजाइन, और काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन, और हर प्रकार के डिजाइन बनाते हैं सीलिंग के ऊपर, और हर प्रकार के ही काम कर देते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं सारी सीलिंग की, छत की सीलिंग, ये सारा डिजाइन दोबारा घुमा घुमा के वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे हमने तैयार कर दिया है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें। अगर चैनल पे जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ये सारी वीडियो तैयार हो गई है।